हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भोले के लाडले पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भोले की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके चलता हूँ भारत में स्थित भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए चलते हैं आज दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे बस यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं निकला हुआ हूं बाबा के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ आपको भी बाबा के ज्योतिर्लिंग दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव। दोस्तों, हम निकले हुए हैं महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं हम कितने दिन में कवर कर पाएंगे और मैं आपको सभी जितने भी दर्शन मैं करता हूँ ज्योतिर्लिंग के, आप सभी को दर्शन कराऊँगा। हाँ, मुझे पता है कि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, पर कोशिश करूँगा कि अंदर मैं फ़ोन ले कर जाऊँ ताकि आपको दर्शन भी करा सकूँ बाबा के ज्योतिर्लिंग के। हम बुलंदशहर से निकले थे, अभी हम रास्ते में थे तो सबसे पहले हम गए थे साईं मंदिर सिरणी साईं। फिर सिरणी साईं दर्शन करने के बाद हमें रात हो गई थी, फिर हम पहुँचे, शनिवार का ही दिन था, शनि शिकनापुर। फिर हम रात को ही रुक गए थे और सुबह नहा के फिर निकले थे, फिर दर्शन किए थे शनि शिकनापुर। और दर्शन करने के बाद फिर हम निकल चुके हैं अभी घृष्णेश्वर महादेव के लिए। तो हर हर महादेव।
दोस्तों अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर आए हुए हैं और छह भाई हैं हम, दो आगे बैठे हुए हैं, दो पीछे और दो लास्ट में बैठे हुए हैं। तो हमारा रूट था पहले भोपाल, भोपाल से सिडनी, सिडनी से सिंगनापुर, सिंगनापुर से अब हम जा ही रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। और रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है रास्ते बेकार हों, पर जो साईं दरबार का रास्ता था, सिडनी साईं जाने का रास्ता जो था 28 से 30 किलोमीटर का रास्ता, वो बहुत बेकार रास्ता था, सिंगल रोड था और गड्ढे भी काफ़ी थे उस रास्ते पे। और अभी हम चल रहे हैं हाईवे पे, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ से बाबा का दरबार पड़ता है 2 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर का रास्ता ना काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, गड्ढे भी काफ़ी हैं और पानी भरा हुआ है क्योंकि बरसात यहाँ पे कंटिन्यू थी। और आप देख भी सकते हैं रास्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और टाइम भी लगेगा यहाँ पे अभी हमें, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ पर कितना गहरा गड्ढा होगा। खतरनाक रास्ता तय करने के बाद यहाँ से दूरी बचती है मंदिर की 500 मीटर। 500 मीटर दूरी तय करने के बाद हमें दर्शन होंगे भोलेनाथ बाबा ज्योतिर्लिंग के, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो बोलिएगा हर हर महादेव। पहले हम देखेंगे यहाँ पे पार्किंग कहाँ पे है, गाड़ी को पार्क करने के बाद फिर हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। हम बाबा के द्वार पर पहुँच चुके हैं और यहीं पे इसी के पास में पार्किंग भी है, तो हम पार्किंग करके बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा वीडियो को, कोशिश करता हूँ मैं भी आपको भोले बाबा के दर्शन कराऊं, फ़ोन जाए या ना जाए पर आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगा। हर हर महादेव। हेलो हर हर महादेव। वहाँ चुके हैं घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हिंदू धर्म में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है।
कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुश्मेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम लाइन में एंट्री कर चुके हैं और काफ़ी भीड़ भी है। और यहाँ पे सावन का ये लास्ट सोमवार है। ये हमने बरसात ले लिया है। गंगा जल है, नारियल, फूल, बेलपत्र और कुछ ही दूरी पे मंदिर का गेट है। हर हर महादेव। मोबाइल की नो एंट्री है और फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिएगा कितनी भीड़ है, ये देखिएगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं सदी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। पत्थर के 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराश कर सभा मंडप बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह 17x17 फुट का है, जिसमें एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है जो पूर्वाभिमुख है। भव्य नंदीकेश्वर सभा मंडप में स्थापित है। सभा मंडप की तुलना में गर्भगृह का स्तर थोड़ा नीचे है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में पुरुष अपनी टी शर्ट, शर्ट और बनियान उतार के जाते हैं। नीचे पैंट वगैरह पहन सकते हैं, पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता। और जैसा कि मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ, ये देखिएगा, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे पड़ता है कि सभी कपड़े उतार के जाना होता है अंदर। दोस्तों, फ़ोन अलाव नहीं था, फिर भी मैंने आपको बाबा के दर्शन कराए। बोलो हर हर महादेव। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर हर